आइए और जानकारी लेते हैं कि बीएचयू की जो छात्राओं पर इस तरीके से जो लाठीचार्ज किया प्रशासन ने, शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसी एक विद्यार्थी हमारे साथ में और है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? कनिका। कनिका जी आप कहाँ से आई? हिंदू कॉलेज। मैडम ये बीएचयू के अंदर जो घटना हुई है, इसका क्या मतलब है, क्यों इस तरह की घटना घटी गई? हर एक यूनिवर्सिटी में लड़कियों का अपना एक मूवमेंट चल रहा है। आप देखें, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डी हो या फिर जेएनयू हो या फिर बीएचयू हो, हर जगह किसी न किसी तौर पे जो लड़कियों के राइट्स हैं, जो मौजूदा राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है। हम कोई नए राइट की मांग तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो एक बेसिक राइट की बात करें जिसको यूजीसी बोलती है, जहाँ पे यूजीसी बोलती है कि सिक्योरिटी के नाम पे आप कोई नियम नहीं रखेंगे, जहाँ यूजीसी खुद बोलती है कि हर कॉलेज में एक इलेक्टेड जेंडर सेल होना चाहिए, हमारा भी राइट टू इक्वालिटी है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। हम तो बेसिक राइट्स जो ऑलरेडी हमारे कानून में है उनकी मांग कर रहे हैं, और वो उन राइट्स को मांगते हुए भी जब प्रशासन इस तरह का दबाव लगाता है और थोपता है, कहीं आपको नोटिस दे दिया जाता है, कहीं आपके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, तो प्रशासन हर एक जगह पे सेम तरीके से लड़कियों का जो मूवमेंट है उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उन पर इस तरीके के अत्याचार होते हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल की फीस हमेशा ज़्यादा होती है। एक तरफ वो लोग नारा निकाल देते हैं कि हम लड़कियों के लिए ये किया ये वो किया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे तो जहाँ नियम सेम है वहाँ भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, आधे ज़्यादा नियमों के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है। कॉलेज के अंदर कोई लड़की कुछ बोलती है तो उसे घर पर फ़ोन करके बाकी जरियों के जरिए उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, तो जब बेटियाँ रहेंगी ही नहीं तो आप बचाओगे किसको? प्रैक्टिकली आप जो बोलते हो दिखना भी चाहिए ना आपके काम से कि हाँ बिल्कुल आप समर्थन करते हो। और वो बीएचयू की लड़कियाँ क्या मांग रही हैं, उनकी इतनी बुनियादी मांग है, वो सिर्फ इतना कह रही है कि मतलब कोई प्रशासन कोई किसी भी कॉलेज का वीसी ये बात यूनिवर्सिटी का वीसी बोल भी कैसे सकता है कि उसके साथ मोलेस्टेशन का केस हो गया, वो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, और फिर वो उसको डिफेंड भी कैसे कर सकता है मतलब। लेकिन वो उनकी बातों को एड्रेस करने की बजाय लाठी चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर।